आगामी दिनों में राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं और पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। विभिन्न रूपों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं और विभिन्न रूपों में प्रशासनिक हो या राजनीतिक हो या सरकारी स्तर पर हो, तैयारियां शुरू हो गई हैं। खुद मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ जिस रूप में तैयारियों में उतरे हैं, अब मंत्र से काम नहीं चलेगा, अब तंत्र को मजबूत किया जाएगा। तंत्र किस रूप में मजबूत होगा, पार्टी का, कार्यकर्ताओं का या डबल इंजन वाली सरकार जिस रूप में तंत्र को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है, उसके लिए कार्यकर्ता कितने और किस रूप में तैयार हो रहे हैं। केवल मंत्र से ही नहीं, तंत्र को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक काम फलित होने वाला नहीं है। जिस रूप में तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार और पार्टी जिस रूप में तैयारी कर रहे, क्या कह रहे हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। कार्यकर्ता सारे जो हैं बहुत उत्साहित हैं, सब समझ रहे हैं इस विषय को भी, मंत्र जैसी कोई बात नहीं है। हम हमारे मंडल स्तर से, मंडल से ऊपर के जो अधिकारी, राजस्थान में होने वाले उपचुनाव भजनलाल सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। यह पहली परीक्षा होगी भजनलाल शर्मा की सरकार की और विशेष रूप से नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बने हैं उनकी भी यह परीक्षा होगी कि किस रूप में उपचुनाव होते हैं और उनके क्या परिणाम आते हैं। हालांकि पार्टी पूरी तरह से जुट गई है इन चुनावों में और डबल इंजन वाली सरकार का कितना फायदा होगा इन उपचुनावों में, हालांकि कांग्रेस भी ताल ठोक रही हैं और दावा कर रही हैं कि इस उपचुनाव में वह सभी की सभी सीटें जीतेगी, लेकिन परिणाम क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। सभी पार्टियां दावे कर रही हैं, सभी पार्टियां अपने अपने रूप में चुनाव में जुट गई हैं और कार्यकर्ताओं का मान मनोबल बढ़ रहा है और कार्यकर्ताओं की पूछ परख भी हो रही हैं। कार्यकर्ताओं के चेहरे पर उत्साह भी झलक रहा है कि इतने समय उनकी कोई सुन नहीं रहा था, अब सुनने वाले भी आए हैं और काम भी हो रहा है। किस रूप में कार्यकर्ताओं का काम होगा यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन जिस रूप में एक उत्साह का संचार कार्यकर्ताओं के मन में और चेहरों पर देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। केवल मंत्र से ही नहीं, पूरे तंत्र से कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी यहां आए हैं और दो विधानसभाओं जिनका उपचुनाव होने वाला है उनके खास पदाधिकारियों की बैठक ली है। जिलों की नगरी उदयपुर में यह बैठक हुई है और इस बैठक में मंत्र नहीं, पूरा तंत्र कार्यकर्ताओं के मन में उतारा गया है कि वह अपने आप को मजबूत बनाए और सरकार की योजनाओं को, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अब तक किए गए कार्य हो, उनको आम जन तक किस तरह से पहुंचाना है, उसे के बदौलत जीत मिल सकती है। सभी कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री जी की भी सुन रहे हैं कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष की भी सुन रहे हैं, मंच पर बैठे हुए अन्य नेताओं की भी सुन रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिलों में जो खुशी के पीछे एक दर्द भी छुपा हुआ है और एक बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की मांग भी होती है कि उनके काम, चाहे विकास के काम हो या अन्य कार्य हो, उनका काम
पूरा हो और उन कामों में सरकार मदद करे, पदाधिकारी मदद करे और मंत्री मदद करे, तभी वह खुद अपने आप को मजबूत बन सकेगा। ऐसा भरोसा मुख्यमंत्री जी ने भी दिलाया है और प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं आप भी सुने। ये कार्यकर्ता सारे जो हैं बहुत उत्साहित हैं, सब समझ रहे हैं इस विषय को भी, मंत्री जैसी कोई बात नहीं है। हम हमारे मंडल स्तर से, मंडल से ऊपर के जो अधिकारी कार्यकर्ता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। ये हमारी एक प्रक्रिया का हिस्सा है, हम नियमित रूप से करते रहते हैं। कुछ दिन पहले भी आए थे, आज भी आए, और जिन क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है वहाँ की थोड़ी बहुत समीक्षा, छोटी मोटी तो बात होती है, चर्चा करते ही। मतलब कार्यकर्ताओं ने क्या फीडबैक दिया है, किस तरह से दोनों सीटों को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है कार्यकर्ता? कार्यकर्ता उत्साहित है और निश्चित रूप से कार्यकर्ता मानता है कि पहले कुछ गलतियाँ हुई है जो भ्रम पैदा किए थे हमारे विपक्षियों ने, अब वो भ्रम चलने वाला नहीं है। जनता भी समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार बन गई और जो जनहित के काम पार्टी ने करने के, हमारी सरकार ने करने के लिए तय किया है, वो काम सरकार कर रही है। हमारे विकास के काम हो रहे हैं, बजट भी बहुत अच्छा मिला है, केंद्र का और राजस्थान का दोनों बजट बहुत अच्छे मिले। हमारे कार्यकर्ता बजट का लाभ आम नागरिक को दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, संपर्क भी कर रहा है, किस प्रकार से हम जनता को लाभान्वित कर सकें, ऐसे काम हमारा कार्यकर्ता कर रहा है। हमारे दोनों चुनाव हम जीतेंगे, हमारी रणनीति बहुत साफ है। क्या आह्वान कर रहे हैं कार्यकर्ता, उसके कैसे जीतेंगे? कार्यकर्ता खुद आह्वान कर रहा है हमारा, वो समझ रहा है कि पहले जो भ्रम पैदा किए अब नहीं चलेंगे, समाज एकजुट है, समाज बिखरने वाला है नहीं, और नीतियों के आधार पर चुनाव होता है, विकास के आधार पर चुनाव होता है। कार्यकर्ता ने ये महसूस किया कि जनता विकास चाहती है, जनता इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास चाहती है, और जनता ये मानती भी है कि इस पहाड़ी इलाके के विकास के लिए जो योजनाएं दी है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने दी है, और दूसरी पार्टियों ने केवल लाभ प्राप्त करने का काम किया है, और व्यक्तिवादी पार्टी तो चलने वाली है भी नहीं। केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई जनता का दुरुपयोग करता है, ये अब जनता भ्रम में आने वाली नहीं है।